वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग ने जैसे आपको पता ही है कि एमसीक्यू हम लोग 1 से 10 और 11 से 20 कर चुके हैं। लास्ट एमसीक्यू का पोर्शन बचा हुआ है 21 से 30, उसको भी आज हम लोग सॉल्व करके खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा एमएसक्यू और नेट का बचेगा। नेट ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है, पीडीएफ फॉर्म में है, उसको भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे विद अ वीडियो। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये रिलेटेड टू अनकंफॉर्मिटी से है। कितने टाइप की अनकंफॉर्मिटी दी गई यहाँ पे, डिसकंफॉर्मिटी, नॉन कंफॉर्मिटी और एंगुलर अनकंफॉर्मिटी। सबको पता है एंगुलर अनकंफॉर्मिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो सरफेस के नीचे जो होगी वो एंगुलर होनी चाहिए। तो ये मेरा आर वन हो गया। आर वन के ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए और डी है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। और डिसकंफॉर्मिटी सबको मालूम है कि डिसकंफॉर्मिटी क्या होती है, कि जो सेडिमेंट्री लेयर नॉन डिपोजिशनल होता है, पैरेलल लेयर्स होती हैं, उसको हम डिसकंफॉर्मिटी बोलते हैं। तो ये हमारा पी टू हो गया, ये टू हो गया, तो मेरे ऑप्शन ए हो गए। तो दिस इज माई राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन ए हो गया। और नॉन कंफॉर्मिटी सभी को मालूम है कि जब हमारा अप और डाउन, मतलब अपर और लोअर लेयर, जो नीचे की लेयर होती है जो आपकी, जिसमें अनकंफॉर्मिटी का ब्रेक होता है, तो नीचे वाली लेयर आपकी इग्नियस और वॉल्केनिक होनी चाहिए। मतलब वो आपके वॉल्केनिक से मतलब यहाँ पे मेटामॉर्फिक की बात कर रहे हैं, इग्नस या तो मेटामॉर्फिक होनी चाहिए और ऊपर वाली सेडिमेंट्री होनी चाहिए, तो उसको हम नॉन अनकन्फॉर्मिटी के कैटेगरी में डालते हैं। तो क्यू थ्री रहेगा मेरा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से गलत है। अमोनाइट्स हैव फ्लूड सेप्टा, यस आप सबको मालूम है कि अमोनाइट्स में हमारा फ्लूटेड सेप्टा होता है। ब्रैकियोपॉड्स हैज अ पेडिकल, आप सबको मालूम है ब्रैकियोपॉड में पेडिकल्स होते हैं। एकोनॉइड्स हैव अ जेंटल स्पाइन, नहीं एकोनॉइड में जेंटल जेनल स्पाइन नहीं होते, जेनिटल होते हैं। और ये जेनल स्पाइन जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ट्राइलोबाइट का है, और सबको मालूम है कि ट्राइलोबाइट के तीन पार्ट में से एक पार्ट को पीजीडीएम बोलते हैं। तो मेरा ऑप्शन एक्नॉइडल वाला ऑप्शन, एक्नॉइड्स वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी गलत ऑप्शन है, वही हमको आइडेंटिफाई करना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें हमको ये बताना है कि जो हॉर्सेस हैं उनका एवोल्यूशन जो हुआ है, तो ओल्डेस्ट से यंगेस्ट में कैसे एवोल्यूशन हुआ, उसको क्या कहते हैं। हाइरोकोथेरियम है आपका, मेसोहिपस है, मेरीचिपस है और इक्वस है यहाँ पे दिया गया। बट यहाँ पे एवोल्यूशन में देखेंगे तो हमारे पे पाँच है, हाइरोसेथेरियम है, मेसोहिपस है, मेरीचिपस है और आपके यहाँ पर प्लियोहिपस है और एकस है। ठीक है, तो एकस सबसे यंगेस्ट है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखना चाहेंगे तो एकस, यहाँ पे एकस जो आपका यंगेस्ट है, तो ए और बी ऑप्शन हो सकता है। और हाइकोथेरम आपका ओल्डेस्ट है, तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन से तो यहाँ करेक्ट हो गया, बट अगर आपको इसको याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा था, मतलब हाइक्रो मतलब हाइरकोथेरम सबसे पहले आया, फिर मेसोहिपस आया, फिर मेरीचिपस आया, फिर आपका प्लियोहिपस आया, फिर एकस आया। तो इसका याद करने का सीक्वेंस मैंने यहाँ पे दिया गया है, हैरान हूँ मैं मेरी प्लीज इक्वेट। ये मैंने एक निमोनिक बनाने की कोशिश की है, हैरान हूँ मैं मेरी प्लीज इक्वेट। हैरान मतलब यहाँ पे हाइरकोथेरियम से रिलेटेड है, क्यों ऐसे ही छोड़ दिए। मैं मतलब यहाँ पे मेसोहिपस है, फिर मेरी का मतलब मेरीचिपस है, यहाँ पे प्लीज का मतलब है प्लियोहिपस है, और यहाँ पे इक्वेट का मतलब इकस है। तो ये मैंने सीक्वेंस याद करने के लिए आपको दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो अपना आप बना लीजिए, वो उससे मुझे शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपको आपका निमोनिक अपने चैनल पे बताऊंगा। थैंक यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम्स इन ग्रुप वन विद द आइटम्स इन ग्रुप सेकेंड। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे। अब इसमें से आप देख लें पोलरिटी, जोन फॉर्मेशन, बायोजोन, इपोक। तो अगर आपको इसमें नहीं भी मालूम है तो पोलरिटी किससे कोरिलेट होगी, यहाँ से तीन से होगी, यहाँ पे मैग्नेटोस्टेटिग्राफी, सबको पता है इपोक किससे रिलेटेड होता है आपका, क्रोमेटोस्टेटिग्राफी से। तो ये आपका टू हो गया। तो एस टू कहाँ कहाँ पे आप देख लीजिए, एस टू आपका सिर्फ यहाँ पे है, तो ये आपका ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, फॉर्मेशन लिथोस्टेटिग्राफी में जाता है, तो ये आपका क्यू फोर हो गया। देखिए यहाँ पे क्यू फोर भी है। फिर आपका बच्चा क्या, बायोजन आपका बायोस्टेटिग्राफी से, तो आर वन हो गया। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका सी सही होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन है आपका। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोग्रेट सीक्वेंस ऑफ मेटामॉर्फिक जोन दैट डेवलप ड्यूरिंग द ब्यूचन टाइप मेटामॉर्फिस। हमको ब्यूचन टाइप
चाहिए जिसमें कि आपका प्रेशर लेस देन 4 kilobar होता है ऑफ अ टिपिकल पेलाइट्स। यहाँ पे जो आपको होस्ट रॉक दी गई है, पेरेंट रॉक दी गई है, पेलाइट्स की बात करें तो पेलाइट्स में हमारे कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं वो देख लीजिए आप। उसमें हमारा बायोटाइट, मतलब पहले तो क्लोराइट होता है, फिर बायोटाइट, फिर कॉर्डियोराइट, एंडोलोसाइट, सिलिमिनाइट, इस तरह का आपका मेटामॉर्फिक ग्रेड बनता है, प्रोग्रेड बनता है इन बुचान जोन में होता है। तो ये तो आपका क्लोराइट हो गया, तो दूसरा क्या होना चाहिए, बायोटाइट। तो ये बायोटाइट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद क्यों क्या होना चाहिए, कॉर्डियोराइट होना चाहिए, तो कॉर्डियोराइट सिर्फ आपका सी में है, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया, आर एंडोलोसाइट हो गया और सिलिमिनाइट हो गया। ये भी डायरेक्टली आंसर था, दो नंबर आपको ऐसे ही मिल गए अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द मिनरल ग्रुप वन विद द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोजिशन इन ग्रुप सेकंड। मैंने बार बार कहा है कि आप लोग मिनरल कंपोजिशन एक एक का रोज याद करने की कोशिश करिए, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो वो छूटे ना आपसे। जैसे आपकी ल्यूसाइट की बात करें, ल्यूसाइट इज अ रॉक फॉर्मिंग मिनरल इन फेरस्पोथाइट ग्रुप में होता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, KLSI2O6, तो ये आपका P3 हो गया। अब एंड्राडाइट की बात करें तो एंड्राडाइट का फॉर्मूला होता है Ca3Fe2Si3 और O12, तो ये मेरा आपका Q4 हो गया। मेरे पास नॉट दो ऑप्शन है, मैं एलिमिनेशन टेक्निक लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल गया तो सैनिडाइन और जेडाइट के बारे में नहीं भी मालूम होगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे दो नंबर मिल जाएंगे। देखते हैं, P3 आपका यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, Q4 आपका यहाँ पे, तो ये ऑप्शन मेरा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो मुझे सैनिडाइन और जेडाइट के बारे में नहीं भी मालूम है तो भी मेरा काम चल जाएगा। चलिए फिर भी मैं आपको सैनिडाइन और जेडाइट के बारे में बता दूं। सैनिडाइन का फॉर्मूला KLSI3O8 है जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो KR1 हो गया मेरा। और जेडाइट आपका क्या बचा, आपको 2 बचा, ये आपको जेडाइट S2 हो गया। तो सिंपल सा था आंसर, अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप ये आराम से कर ले। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं यहाँ पे, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम दैट रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल ओरिएंटेशन शोन इन द फिगर XYZ। यहाँ पे हमारा XYZ प्रिंसिपल ऑप्टिकल एक्सिस है और ABC हमारा क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस है। हम सभी को मालूम है कि इन दोनों का जो रिलेशन होता है उसी से हमारा क्यूबिक और जो क्रिस्टल सिस्टम है वो डिफाइन होता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि XYZ और ABC कॉन्साइड कर रहे हैं, मतलब अगर ये दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं प्रिंसिपल वाइब्रेशन या प्रिंसिपल ऑप्टिकल वाइब्रेशन डायरेक्शन और ABC, तो ये उस केस में हो सकता है या तो मेरा सिस्टम क्यूबिक हो या तो मेरा सिस्टम आपका ऑर्थो रोम्बिक हो या तो ये टेट्रागोनल के केस में हो सकता है कि जब वो कॉन्साइड करते हैं। अगर चूंकि ये कॉन्साइड कर रहे हैं, मगर इसमें एक चीज और क्या है कि जो साइज है, मतलब ABC का जो अगर हम वैल्यू देखें तो वो अलग अलग है। यहाँ पे 010 है और 210 है, तो मतलब आपको पता है कि क्यूबिक में सारी की सारी साइड बराबर होनी चाहिए, जो कि इस केस में नहीं ना, इसका मतलब मेरा ऑप्शन ये एक्सक्लूड हो गया। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मेरा ऑप्शन जो ये क्यूबिक वाला हट गया, अब मेरे पर ऑर्थोरोम्बिक वाले ऑप्शंस हैं और इसमें ट्राइक्लिन और मोनोक्लिनिक है, क्योंकि इसमें भी मोनोक्लिनिक है। तो अब हमको दूसरा फिगर जो हमारा दिया गया उसमें हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये ट्राइक्लिनिक है कि मोनोक्लिनिक है। पहले तो देखिए ट्राइक्लिनिक क्या होता है, ये आपका मोनोक्लिनिक है और ये आपका ट्राइक्लिनिक है, अगल बगल है दोनों। तो इसमें तीनों साइड्स जो है तीनों के बराबर नहीं है, देखिए साइड्स 010 1000, तो मतलब साइड के हिसाब से देखेंगे तो दोनों बराबर नहीं है, बट यहाँ पे एक कॉन्साइड कर रहा है और दो नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों का तीनों कॉन्साइड नहीं कर रहे, यहाँ पे कर सकता है एक, कम से कम दो कर सकते हैं कॉन्साइड, मगर यहाँ पे एक कर रहा है। इसका मतलब बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है कि ये जो फिगर है ये मोनोक्लिनिक का हो सकता है, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ये वाला बी वाला देख लेते हैं, तो बी इज माई राइट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा दिमाग लगा के और फिगर के तहत इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको सिर्फ मिलाना है कि कौन सा फीचर किस जियोलॉजिकल प्रोसेस से बना है। मैच द एनवायरमेंट रिप्रेजेंटिंग फिजिकल जियोलॉजिकल प्रोसेस इन ग्रुप वन विद द कॉरस्पॉन्डिंग जियोमॉर्फिकल लैंडफॉर्म। इओलियन सबको मालूम है कैसे बनता है, ग्लेशियर, चलिए ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर क्या ड्रमलिंग से है, तो क्यू आपका 1 हो गया। फ्लूवियल आपका कहाँ होना चाहिए, कोस्टल आपका कहाँ, कोस्टल के लिए आप टम्बोला कर लिए, तो Q1 और S2। अभी हमने ऐसा किया इओलियन और मैं हम यहाँ पे निकलते, इओलियन अगर P की बात करें तो यार्डाइन हो गया और फ्लूवियल आपका R4 हो गया। तो P3 कहाँ है हमारे पास, P3 दो ऑप्शन है, C और D है। उसके बाद Q1 आपका Q1 है, Q1 ये हो गया, तो मेरा ऑप्शन C द राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, फिर भी अगर बहुत दिनों से आप पढ़ते चलेंगे तो आप डायरेक्टली इसको कर लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ऑप्शन है,
चार्कोसाइट आपको कहाँ मिलेगा? आपको पता है चार्कोसाइट और कोवेलाइट आपका सुपरजीन इनरिचमेंट में होता है, तो ये आपका P1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि बॉक्साइट आपको कैसे मिलता है, P1 देखिए कहाँ पे है, P1 आपका यहाँ पे हो गया और आपको ये यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद आपका क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट, अगर हम क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट आपको पता है कि मैग्नेटिक क्रिस्टलाइजेशन से बनता है, तो आपका ये S3 हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद आपको मालूम है कि बॉक्साइट जो होता है आपका रेसिडुअल प्रोसेस से बनता है, आपका मोनजाइट प्लेसर जो आपका मैकेनिकल एक्यूमुलेशन से बनता है, तो ए ऑप्शन आपका फाइनल ऑप्शन हो गया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही आपको इस फिगर से ही सारा आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स और स्टेटमेंट के बारे में हमें चूज करना है, राइट स्टेटमेंट के बारे में नहीं बात करना है। पर्च वाटर टेबल एग्जिट विद इन द जोन ऑफ एरेशन, देखिए ये अनसेचुरेटेड जोन जो होता है उसको हम जोन ऑफ एरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जोन अनसेचुरेटेड जोन इज नोन एज जोन ऑफ एरेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्चिट वाटर टेबल जो कि एबव वाटर टेबल होता है, ये जोन ऑफ एरेशन एरेशन अनसेचुरेटेड जोन में है, तो ये राइट आंसर है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। और जुवेलाइन वाटर इज ड्राइव फ्रॉम सेडिमेंट डायजेनेसिस, सबको पता है जुवेलाइन वाटर इज ड्राइव फ्रॉम द मैग्मा, मतलब हॉट वाटर मैग्मा, मैग्मा से होता है या वॉल्केनिक इरप्शन से होता है, वो जुवेलाइन वाटर जो उसमें वो मैग्मा में रह जाता है उसको जुवेलाइन वाटर बोलते हैं, तो ये राइट रॉन्ग ऑप्शन है, तो ये मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमको फॉल्स ऑप्शन को चूज करना था। अब देखते हैं जोन ऑफ एरेशन लाइज अबव द जोन ऑफ सेचुरेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जोन ऑफ सेचुरेशन है, ये अनसेचुरेटेड जोन है जो कि जोन ऑफ एरेशन भी कहलाता है, तो इसके ऊपर है। बोथ एक्विक्लूड्स एंड एक्विफ्यूज आर इम्परमेबल, सभी को मालूम है कि ये जो दो एक्विफर टाइप होते हैं ये इम्परमेबल होते हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन है। तो राइट राइट ऑप्शन एक्सक्लूड हो गया, तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा था, जुवेलाइन वाटर का था, तो वो मेरा ऑप्शन हो गया। तो इसी के साथ ऑप्शन आपका बी है, इसी के साथ हमारा MCQ का 2021 का सारा कंप्लीट हो गया। मैं कोशिश करूंगा MSQ भी जल्दी से बना के दे दूं और नेट का भी क्वेश्चन अपलोड कर दूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो, तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।